ट्रेंड खुद आर्टिस्ट बनाता है। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे फिर आर्टिस्ट कहने का हक ही नहीं है आपको। हाँ, मेरा नाम महमूद अहमद है। बचपन में मैं जंगलों की सैर किया करता था और मेरे घर के पास ही यमुना रिवर है, तो वहाँ स्विमिंग किया करता था और नेचर को ऑब्जर्व किया करता था। जंगल एरिया ज़्यादा था, तो एक बचपन में भी मेरा एक शौक रहा था जो कैटरपिलर लार्वा को कलेक्ट करता था और उनको डिफरेंट स्टेजेस में इवॉल्व होते हुए देखता था। तो जो नेचर की ब्यूटी होती है, जो बटरफ्लाई प्यूपा से निकलती है, तो एक वेरी सॉफ्ट और कलरफुल, उसके बाद कुछ सेकेंड्स में वो ड्राई हो जाता है। तो वो भी मेरी इंस्पिरेशन का एक ज़रिया रहा है, क्योंकि नेचर की स्टडी बहुत ज़्यादा की मैं। मेरे फादर जो है जामिया स्कूल में फिजिक्स के टीचर थे, साथ में बार्डन भी थे जो कि जामिया फाइन आर्ट के बिल्कुल जस्ट बगल में। तो मेरा प्लेग्राउंड जामिया फाइन आर्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था, आर्टिस्ट लोगों को काम करते हुए देखता था। उसके साथ साथ वहाँ डिफरेंट इवेंट्स भी होती थी, इंटरनेशनल, नेशनल और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, तो वहाँ से ये इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। उसके बाद में फिर मैंने जब 12th पास कर ली, फिर मैंने फाइन आर्ट में एडमिशन लिया और 1992 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद से आज तक मेरी जर्नी रनिंग में है और मैंने अपने आप को एक लिमिट में कैद नहीं किया है। मैं हर तरह का काम करता हूँ। नेचर के भी डिफरेंट मोड आपको मिलेंगे, कुछ डेजर्ट लाइक, कुछ ग्रीन, और ज़्यादातर लैंडस्केप में मैं अपनी खुशी और प्लेजर को शो करता हूँ। उसके बाद में मेरा जो फिगरेटिव वर्क होता है उसमें मेरे इमोशंस होते हैं। बाकी जो भी ख्याल मेरे दिमाग में आता है तो उस पर सिर्फ एक काम नहीं करता, एक पूरी सीरीज पे कंटिन्यू काम करता रहता हूँ जब तक के मेरा दिल ना भर जाए या फिर कुछ और नया आइडिया ना आ जाए। मैं एक्रेलिक में बनाता हूँ। पहले मैं ऑयल कलर में बनाया करता था, क्योंकि ऑयल कलर का जो प्रोसेस है बहुत लेंथी होता है, ऑयल कलर की मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप उसको ऐसे ही डिस्प्ले कर दोगे तो कुछ सालों में उसमें फंगल अटैक और डिफरेंट तरह के अटैक शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्रेलिक कलर, क्योंकि ये पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, प्लास्टिक है, इसमें फंगल अटैक नहीं होता और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ह्यूज खतरनाक स्ट्रगल लाइफ में फेस किया है, लेकिन सर्वाइव इसलिए कर पाया कि मेरी मदर और फादर वो मेरे चाइल्डहुड से ही सपोर्टिव रहे। कभी भी उन्होंने राह में रुकावट नहीं करी, हमेशा सपोर्ट किया, और जो भी मैं काम बनाता था उसको मेरे फादर देखते थे और खुश होते थे, बेटा और काम करो और काम करो। तो मेरी फैमिली से मुझे फुल सपोर्ट मिली है। फादर बोलते थे, बेटा तुम्हारा काम है वो करते जाओ, परवाह मत करो, काम सेल होता है या नहीं होता है इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं, बस काम करते जाओ और एक दिन सेल भी होगा, नाम भी पैदा करोगे और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है, बस हिम्मत नहीं रहा। स्ट्रगल इस तरह का रहा कि जैसे मैंने 2002 में सोलो किया ताजट गली बॉम्बे में, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगा और शो सुपर फ्लॉप गया, एक भी काम सेल नहीं हुआ, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाने के लिए मेरी सिस्टर महाराष्ट्र में गुजरात में है तो उनको गिफ्ट करके आया। उसके बाद में कई शोज फ्लॉप दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम सेल भी होने लगा, और मतलब क्योंकि आप लोग काम करते हैं तो हमें पैसे की भी तो ज़रूरत होती है ना, नहीं तो कैसे सर्वाइव करेंगे। हाँ, जॉब किया था 4 साल, उसके बाद में कम्प्लीटली छोड़ दिया कि नहीं, इसी में सर्वाइव करना है, जो है यही है। मेरा नेचर सीरीज सबसे पहले हिट हुई है, लैंडस्केप, और लैंडस्केप के भी एक ही स्टाइल नहीं है मेरे, डिफरेंट स्टाइल है। ऐसा है ना कि एक स्टेज होती है, जब आदमी ज़्यादा लंबा स्ट्रगल कर लेता है ना, तो खुशी तो होती है, वो एक्साइटमेंट तो हर एज में होता है, लेकिन उसका जो रेशियो होता है वो उतना हाई नहीं होता है।
ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि बल्कि मैंने तो ये महसूस किया कि हमारे जो सीनियर हैं रुकावट बनते हैं, लेकिन अगर आप अपने फील्ड में अपने काम में लगे हुए हैं तो वो रुकावट आप ख़त्म कर देते हो, मतलब वॉश आउट कर देते हो अपने लाइफ से। क्योंकि आप काम करते रहो, दुनिया बहुत बड़ी है, आपको लोकल लेवल पे कट किया जा रहा है या सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो आज मुझे डिफरेंट इंटरनेशनल शोज में भी बुलाया जाता है और मेरे कलेक्टर्स भी ज़्यादातर एब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में। अगर आप 100% आर्ट पे फोकस करेंगे ना, तो उसी में से रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और आप इकोनॉमिकली भी बहुत साउंड होते जाओगे। अब जैसे मेरी एक बेटी है, अब तो मैं ग्रैंडफादर भी बन चुका हूँ, बच्चे की सारी एजुकेशन, सारे एक्सपेंसेस, वो भी बहुत ज़्यादा, वो सब आर्ट से ही निकलते रहे। और बड़े कलेक्टर्स में मेरे जो अनिल अंबानी ग्रुप जो है रिलायंस, वो सबसे बड़े कलेक्टर्स रहे 2012 तक। उसके अलावा भी काफ़ी बड़े बड़े कलेक्टर्स हैं। रिसेंटली मेरा ऑक्शन भी हुआ है, जो कि रिलायंस की लॉट से 2011 सीरीज का काम एक ऑक्शन में डाला उन्होंने। जैसे आप भी मेरा काम लेंगे या कोई भी पर्सन, वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, उससे आर्टिस्ट को फ़ायदा नहीं। आर्टिस्ट को इतना फ़ायदा होता है, उसका नाम और ग्राफ हाई होता है। बेसिकली जो आर्ट कलेक्टर और इन्वेस्टर होते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, मान लो एक जूनियर आर्टिस्ट पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और कल वो अपनी स्ट्रगल को छोड़ दे या आर्ट करना बंद कर दे, तो उनका इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। तो उनकी एक नज़र होती है, और मुझसे ज़्यादा मेरे आर्ट कलेक्टर मेरे बारे में जानते हैं, एक जनरल वो होता है, वो पूरे नज़र रखते हैं। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इस्टेब्लिश होने में, जब उनको यकीन हो जाता है कि ये इसी में जिएगा, इसी में मरेगा और ये फील्ड छोड़ के नहीं जाएगा, तो इन्वेस्ट करने लगते हैं बड़े बड़े कलेक्टर्स। कुछ मिडिल क्लास लोग भी, पहले ये ट्रेंड नहीं था, अब वो आर्ट में इन्वेस्ट करने लगे, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में आपका काम खरीदे। उनका भी एक विज़न क्लियर हुआ है कि आज हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल ये हमें उसका डबल या ट्रिपल या जो भी आर्टिस्ट का ग्राफ होता है वो हमें वो मिलेगा, 40+ ही है ज़्यादातर, जो कि डिफरेंट जॉब में होते हैं, डायरेक्टर लेवल की पोस्ट हो गई या उसी हाई लेवल की पोस्टों पे जो होते हैं ना। मेरे कलेक्टर्स में सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक्स भी हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं। अगर आप स्टाइल नहीं क्रिएट कर सकते तो आप फेमस आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते, और आपको मैच्योर आर्टिस्ट समझा भी नहीं जाएगा। जैसे MF हुसैन है, तैयब मेहता है, इवन जो भी इस्टेब्लिश नेशनल या इंटरनेशनल आर्टिस्ट, उन सबकी एक ब्रांड है, काम देखते ही समझ में आ जाता है कि इनका काम है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे लैंडस्केप की मिसाल ले लें, वर्ल्ड में करोड़ों आर्टिस्ट काम कर रहे होंगे, लेकिन उन करोड़ों में ही अपना एक रास्ता बनाना है, डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट आइडियाज से, तो वही एक आर्टिस्ट की पहचान बनती है। मेरे लिए तो एक इमोशंस को शो करने का ज़रिया है, वो इमोशंस आप अपनी खुशी, अपना दुख या जो भी आप सोचते हैं उसको शेयर करने का एक ज़रिया है। हाँ, उन जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप आर्ट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको साइड में कोई जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मनी के आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। और दूसरे ये, अगर आपका काम नहीं सेल होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, बहकावे में कभी नहीं आना है, जो आप सोच रहे हो वही करना है और उस पर बिल्कुल अटल रहना है, हिलना नहीं है, चाहे कोई कितना जोक करे, मजाक करे, परवाह नहीं करना, काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, बस जो आपके मन में आए वो करते जाए, और एक दिन आपको ब्रांड बनने से कोई रोक नहीं सकता।